हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को कुछ ज्वेलरीज जो कि मैंने नवरात्रि के लिए खरीदा है। तो क्या होता है, जब हम लोग डांडिया नाइट पे जाते हैं तो हमें ऑक्सीडाइज सिल्वर ज्वेलरी की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। तो मैंने भी ऑक्सीडाइज सिल्वर ज्वेलरीज खरीदा है। मैंने काफ़ी पहले ही ऑर्डर किया था, 1 वीक हो गया मुझे रिसीव किए हुए भी, बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, मैं तो बना नहीं पा रही थी। एनीवेज मैं आपको बता दूं कि जो सारे ज्वेलरीज हैं उसके जो रेंज है वो 250, 350, 400 है। बस एक जो ज्वेलरी सेट है वो काफ़ी महंगा है। जिस टाइम मैंने किया था ख़रीदा था उस टाइम तो थोड़ा सा कम था, बट अभी तो प्राइस काफ़ी हाई हो गया है क्योंकि नवरात्रि नज़दीक है इसीलिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं आपको दिखाती हूँ सारी ज्वेलरीज एक एक करके। सारी ही ज्वेलरीज काफ़ी कलरफुल, काफ़ी वाइब्रेंट है और काफ़ी बोहो लुक टाइप का है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ नवरात्रि में ही पहनो, इसको आप ऐसे भी कभी भी पहन सकते हो। तो सबसे पहले जो आइटम है वो है एक मांग टीका। तो मैंने सारे ही ज्वेलरी जो भी खरीदे हैं ना, तो मैंने वोयला कंपनी से ख़रीदा है। तो वोयला कंपनी की जो ज्वेलरीज होती है काफ़ी क्वालिटी होती है और काफ़ी अच्छा होता है, ड्यूरेबल भी होता है, स्टडी होता है। तो ये जो मांग टीका है मुझे 250 का पड़ा है। तो काफ़ी वियर्ड सा सिचुएशन हो गया था, मैं ना मांग टीका का टैग रिमूव करना भूल गई थी, तो और मैं आपको टैग के साथ दिखा रही थी, काफ़ी अजीब लग रहा था। तो अभी मैंने टैग रिमूव कर दिया है तो कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। पर्सनली मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है आप बताइएगा। और ना इसमें मिरर वर्क भी है तो ये काफ़ी यूनिक, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ऐसे मिरर वर्क वाले आपको जो मांग टीका है और भी साइट्स पर मिल जाएंगे या फिर और भी कंपनीज़ के मिल जाएंगे, बट वो उतने अच्छे नहीं होते हैं क्वालिटी वाइज। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट ज्वेलरी दिखाती हूँ। नेक्स्ट ज्वेलरी जो है वो है एक रिंग जो कि है इस टाइप का, ऐसा दिखता है। तो ये कुछ इस टाइप का दिखता है। मुझे बहुत सुंदर लग रहा है ये, और इसका भी प्राइस जो है मुझे 250 का पड़ा था। वोयला में इस तरह के बहुत सारे रिंग्स हैं। इसमें ना एक दूसरा कलर भी था जो कि और ज़्यादा वाइब्रेंट था और ज़्यादा सुंदर था, बट तो उसका जो प्राइस था ना वो 450 या 500 था। तो इसलिए मैंने ये वाला, क्योंकि ये भी सुंदर लग रहा था ना, तो मैंने ये वाला ही रिंग परचेज किया जो कि मुझे 250 में मिला है। तो नेक्स्ट जो ज्वेलरी होने वाला है वो है एक गले का सेट। नॉट गले का सेट, मैंने सेट बनाया है अलग से, चोकर खरीदा, अलग से नेकवेयर खरीदा है और अलग से इयररिंग्स खरीदा है, बट दोनों मैचिंग है। दोनों जो है एक ही कलेक्शन का था, कोई कवाली कलेक्शन करके। आप देख सकते हो कि कितना वाइब्रेंट है, कितना कलरफुल है, और इसमें पॉम पॉम लटके हुए हैं। जो पॉम पॉम टाइप का जो ज्वेलरीज होता है ना, वो नवरात्रि में डांडिया नाइट में काफ़ी सुंदर लगता है लहंगा के साथ। खासकर अगर आपका लहंगा जो है बांधनी वर्क वाला हो या फिर कच्छ वर्क वाला हो या फिर प्लेन लहंगा हो ब्लैक कलर का, इसलिए मैंने, ताकि आपको अच्छे से लुक का समझ में आए, इसलिए मैंने ब्लैक कुर्ती पहना, प्लेन कुर्ती पहना, ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। क्या मैंने अभी ये नेकवेयर पहन लिया है, ये लॉन्ग नेकलेस है एक्चुअली में। इसके साथ मैचिंग इयररिंग्स भी है, तो मैं आपको मैचिंग इयररिंग्स दिखाती हूँ किस तरह का है। तो इयररिंग्स के साथ लुक कुछ ऐसा आ रहा है, इयररिंग ऐसा दिख रहा है, मुझे तो काफी सुंदर लग रहा है। अच्छा, अगर आप सोच रहे होंगे कि मैंने लॉन्ग नेकवेयर दिखाया है, चोकर आपको पसंद है अगर पहनना, तो मेरे पास चोकर भी है, डोंट वरी, चोकर सेट भी मैंने मंगाया है, मैं अभी वो भी आपको दिखाती हूँ। उसके पहले जब सब कुछ पहन ही लिया है तो मैं आपको बैंगल्स दिखाती हूँ। मेरे हाथों में नाना चूड़ियाँ हैं, जरा ठहरो सजन मच पूड़ियाँ हैं। एनीवेज गाना गाना बंद करते हैं। तो मुझे ना इस चूड़ी को पहनने में काफ़ी मेहनत लगा, क्योंकि क्या हुआ था, ये जो चूड़ियाँ थी आउट ऑफ सीक्वेंस हो गई थी, जैसे तैसे हो गया था बॉक्स में, तो मुझे मतलब रखते समय, तो मुझे ना इसे फिर से बनाना पड़ा और तब जाके मैंने पहना, तो मुझे काफ़ी मेहनत लगा। आप देख सकते हो कुछ इस तरह का दिख रहा है ये।
मुझे काफी सुंदर लग रहा है। और इसका जो प्राइस है ना, मुझे 350 पड़ा था, लेकिन अभी जो प्राइस चल रहा है वो अराउंड 400 चल रहा है, थोड़ा सा बढ़ गया है प्राइस। एक्चुअली क्या है ना कि आप 150-200 में भी इस तरह का चूड़ी मंगा सकते हो अदर कंपनीज का। इसका जो कंपनी है वो जनेमी है, बट द डिफरेंस इज कि आपको उसमें चूड़ियाँ इतना ज़्यादा नहीं मिलती है और उसका फिनिशिंग अच्छा नहीं होता है, उसको चुभेगा गड़ेगा, बट ये बिल्कुल चुभ नहीं रहा, गड़ नहीं रहा और इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। और चूड़ियाँ भी भड़भर के, दोनों हाथों में भड़भर के मैंने पहन रखा है, जैसा कि आप देख सकते हो। अच्छा हाँ, एक बात और कि अगर आपके हाथ में ये हेयर्स होंगे, रोएं होंगे ना, तो ये रोहों को पकड़ लेगा थोड़ा, तो थोड़ा सा दर्द होगा। तो अभी मैंने वैक्सिंग नहीं कर रखा है, मोस्टली मैं वैक्सिंग नहीं करती हाथों पर क्योंकि मेरा बहुत कम रोआ है, तो मुझे ना ये बाल थोड़ा सा फंस जा रहा है मेरे हाथों में, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। एनीवेज मैंने जो ये नेकवेयर है, नेकलेस, इसका प्राइस भी नहीं बताया था, तो इसका जो प्राइस था मुझे 400 अराउंड पड़ा था और इयररिंग्स का जो प्राइस है वो 300 अराउंड पड़ा था। तो गाइस गड़बड़ हो गई एक्चुअली ना, मैंने जब मंगाया था तो मैंने इसे ट्राई नहीं किया क्योंकि इनका जो क्लैंप था ना बीच का, ये निकला हुआ था, तो मैंने फिर कुछ दिनों बाद अपने हस्बैंड से ठीक करवाया। मैंने ना अमेज़ॉन पे रिप्लेसमेंट के लिए भी डाला था, शुरू में तो रिप्लेसमेंट एक्सेप्ट हो गया, बट बाद में उन्होंने एक सप्ताह बाद, मतलब एक सप्ताह हो गया तब भी कोई रिप्लेसमेंट के लिए नहीं आ रहा था, तो मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया, तब उन्होंने बताया कि ये जो है रिप्लेसमेंट कैंसिल हो गया आपका, आप अब सिर्फ इसे रिटर्न कर सकते हो। और ना इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, मैंने जब ख़रीदा था तो अराउंड 728 का ख़रीदा था और अभी जो प्राइस चल रहा था 1494 समथिंग चल रहा था, तो मैं ऑफकोर्स दोबारा ज़्यादा प्राइस पे नहीं खरीदना चाहती, तो मैंने रख लिया। बट मैंने एक गलती की कि मैंने इसे ट्राई नहीं किया और अब क्या हो रहा है कि ये जो है ना ऐसे लटक जा रहा है नीचे, ये ऊपर नहीं रह रहा है, होल्ड नहीं कर रहा है। तो अभी तो मैंने किसी तरीके से इसको मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करके किसी तरह से मैंने वो कर दिया है ताकि आपको दिखा सकूँ। बस जिनका, जो लोग और पतले होते हैं, जिनका नेक और पतला होता है, उनके लिए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो एनीवेज लेकिन है बहुत सुंदर पीस, बट वही है कि प्रॉब्लम है डिज़ाइन में, लटक जा रहा है तो अच्छा नहीं दिख रहा, और इयररिंग्स तो काफ़ी ही सुंदर है। तो ओवरऑल मैं एडवाइस करूँगी कि आप ना ही लें तो बेहतर है। तो चलिए मैं इसे ना खोल के आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसा दिख रहा है नज़दीक से। तो सबसे पहले मैं आपको इयररिंग्स दिखा रही हूँ। ऐसी जो इयररिंग है ना, इतनी सुंदर सी इयररिंग्स है कि अकेले इयररिंग भी 300 के अराउंड में आएगा। इसमें ना तीन चार कलर्स थे, बट मुझे ये कलर सबसे ज्यादा अच्छा लगा तो मैंने ये कलर मंगवाया। और हाँ, मैं आपको जो ये मांग टीका है वो नजदीक से दिखाना भूल गई थी, तो मैं भी आपको नजदीक से दिखा देती हूँ कि ये कैसा दिखता है। तो ये गाइस कुछ ऐसा दिखता है ये मांग टीका। तो चलिए इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। कैसा लगा आपको आज का ज्वेलरी हॉल, आज का वीडियो, आप प्लीज कमेंट करके बताएं। और अगर अच्छा लगा हो तो जी हाँ, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।